हेलो फ्रेंड्स, चलिए कंपटीशन टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिटर फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 कॉमन हेल्थ टूल। तो जो भी छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आज हम हैंड टूल में हैमर पढ़ाने वाले हैं, जो कि पिछले वीडियो में चलिए शुरू हो जाइए। आज लाइव सेशन जो है आज फिटर का है, इससे पहले वेल्डर का था, अब जो होगा वो इलेक्ट्रिशियन का होगा 6 बजे से। अभी फिटर का हम फर्स्ट एक कॉमन हैंड टूल चैप्टर 4 नंबर लेके आए हैं, तो शुरू करते हैं। 4 नंबर चैप्टर है हमारा कॉमन हैंड टूल। कॉमन हैंड टूल में हम क्या देखेंगे, फिटर के बारे में देखेंगे। आज कॉमन हैंड टूल में क्या देखेंगे, फिटर के बारे में देखेंगे। तो जल्दी से छात्र जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम कॉमन हैंड टूल क्लियर करने वाले हैं। कॉमन हेल्थ टूल में हैमर को आज कंप्लीट करेंगे, तो जल्दी से जुड़ जाइए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। जल्दी से लाइक कर दीजिए और जुड़ जाइए। आज हम शुरू करने वाले हैं फिटर का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट ईयर का क्लास है, जो कि हमारा कौन सा है, कॉमन हैंड टूल है। कॉमन हैंड टूल में आप क्या क्लियर करेंगे, हैमर यानी हथौड़ा। हथौड़ा के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, आज हैमर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो जल्दी से जुड़िए। और जल्दी से जुड़ के लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला टॉपिक हमारा हैमर। देखिए हैमर, सबसे पहले हम हैमर के बारे में समझते हैं कि हैमर होता क्या है। हैमर जो है हमारा कॉमन हैंड टूल है, ये जनरली हर किसी के पास अवेलेबल होता है। वर्कशॉप में तो इसका बहुत ज़रूरी है, लेकिन जनरली घर पे, मतलब घर पे भी अवेलेबल होता ही है हैमर। आज आपको हम हैमर दिखाते हैं, बट अभी वर्कशॉप बंद है, तो आपको वीडियो बढ़िया से हैमर दिखाते हैं, बट अभी हैमर नहीं दिखा पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास जब होगा लॉकडाउन के बाद, तो सारा इंस्ट्रूमेंट को एक एक करके आपको हम वीडियो से बढ़िया से दिखाएंगे और वीडियो उसका हम प्रोवाइड कराएंगे। तो जो भी छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आज हम हैमर के बारे में समझने वाले हैं। देखिए हैमर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कहीं पर कील ठोकना है या किसी पर चोट पहुँचाना है तो हैमर का ही इस्तेमाल करेंगे। हैमर जो होता है, जो हर एक वर्कशॉप में यूज होता है, हर एक घर में होता है, हैमर होता ही होता है, ठीक है। ये कॉमन हैंड टूल है, कॉमन जनरली आप इसको यूज किया जा सकता है। अब इसमें हम देखते हैं इसका क्या होता है, जैसे कि कभी कभी कील ठोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई क्या होता है रॉड अगर है लंबा वाला, अगर वो टेढ़ा हो गया तो उसको सीधा करने के लिए भी हम हैमर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसको धातु जो है ना, अलग अलग काट करके बनाया जाता है। छेनी के द्वारा क्या करते हैं, धातु को काटने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एचपी सर जुड़ चुके हैं, आज हम देखने वाले हैं हैमर के बारे में। तो सर चलिए, अच्छी बात है सर जुड़ गए हैं। तो जितने भी छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि हम आपको पूरा क्लास कराएंगे। और अगर पूरा क्लास करना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, तो कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें, उसके माध्यम से आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, जिसमें ऐप डाउनलोड करके आप वहां से ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हैमर जो है दो तरह में हो, दो उसका टाइप दो होता है, मतलब दो प्रकार में पाया जाता है, दो मेटल में होता है, एक मेटल का होता है, एक लकड़ी का होता है। तो मेटल के बारे में हम जानेंगे, मेटल में कितने हैमर होते हैं और क्या क्या चीज़ होता है, किसका काम कौन सा होता है, वो भी हम आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहला है हमारा हैंड हैमर, यानी हाथ का हथौड़ा, ठीक है। ये जो देखिए ना, हाथ का हथौड़ा होता है, जनरली जो हैमर होता है वो जो होता है, इसको हम 125 ग्राम से लेके 1.5 केजी के बीच ये अवेलेबल होता है मार्केट में, मतलब हर एक साइज में अवेलेबल होता है, आप जैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका जो होता है हर एक साइज में अलग अलग होता है। इसमें एक हैंडल होता है जो लकड़ी का होता है, और इसमें आपको फिगर के माध्यम से हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं,
जैसे कि यहाँ पे फिगर दे रखा है, देखिए ये एक हैमर है बॉल, ठीक है, यहाँ पे दिया गया ये जो है पूरा पार्ट हैंडल है, ठीक है, यहाँ पे वेज यानी देखिए यहाँ पे होल आई, इसको पूरा को बोलते क्या बोलते हैं आई होल, इसको पूरा क्या बोलते हैं आई होल बोलते हैं, और इसमें वेज, वेज मतलब क्या होता है, इसको टाइट करने के लिए जो लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं वेज बोलते हैं, इसके ऊपरी सतह जो ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं चेक बोलते हैं, इसमें दो चीज होता है, एक फेस होता है और एक पेन होता है, ठीक है, तो सभी का अलग अलग, फेस सबका लगभग में सेम ही होता है लेकिन पेन सभी का चेंज होता है, जितने टाइप होते हैं सबका अलग होता है और सबका चेंज होता है, इसमें होता है एक नेक, नेक मतलब जो यहाँ पे गर्दन इसका होता है नेक, उसको नेक बोलते हैं, और इस वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हेड मतलब माथा। जो भी नए छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ इसके माध्यम से आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर और वेल्डर की क्लासेस कराई जा रही है ऑनलाइन क्लासेस, जो कि ऐप के माध्यम से अभी यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, आप ऐप के माध्यम से जरूर पूरा कोर्स करें। चलिए अब इसके बारे में कुछ जानते हैं, इसमें क्या जैसे कि आपको हम बता दिए हैं कि इसका जो मनोरंजन जुड़ चुके हैं, हेलो सर, चलिए देखिए इसका हम मेटल वेट कितना होता है, 125 ग्राम से 1.5 kg के बीच होता है, देखिए जितना मतलब हैमर होता है सबका वेट अलग अलग होता है और जरूरत के हिसाब से हम यूज करते भी हैं। अब बात आता है कि हैमर के अनुसार इसका लंबाई कितना हो सकता है, तो जिस हैमर का जैसा हैमर होगा उस अनुसार से हम लंबाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले कि लंबाई जो होता है उसका लंबाई दे चुका है 25 से 35 सेंटीमीटर तक हो सकता है, इसका जो हैंडल होता है उसका लंबाई, तो याद रखिएगा इसमें इम्पोर्टेंट चीज दो चीज़ है कि एक लंबाई और एक वेट, ये दो वेट दो चीज़ है जो डिजिट है और इसको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके पार्ट के बारे में कुछ समझते हैं, इसका इस्तेमाल देखिए जो हम चोट मारते हैं, जिससे हम चोट मारते हैं उस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इससे चोट मारने के लिए पिन तथा फेस का प्रयोग करते हैं। देखिए फेस जैसा कि हम आपको फिगर में भी दिखा चुके हैं, फेस जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको फेस बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको पिन बोलते हैं, और याद रखिएगा पिन के ही आधार पर हैमर को बांटा गया है, क्योंकि डिफरेंट सबका अलग अलग पिन होता है, सबका अलग अलग होता है, क्रॉस पिन हैमर होता है, स्ट्रेट होता है, सबको हम आज क्लियर करने वाले हैं, तो आप परेशान मत हो, इसमें हैमर से रिलेटेड सारा क्लियर करने वाले हैं। अब बात आता है कि हैमर किस मेटल का बना होता है, ठीक है, हैमर किस मेटल का बना होता है, तो हैमर जो है वो कास्ट स्टील का भी बना हो सकता है, ठीक है, कार्बन स्टील का भी बना हो सकता है, वो जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं इसमें ये जो है ना इसका जो इसे जो बीच वाला भाग जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, जिसे हथौड़े से टूटे नहीं, साधारणतः ये कास्ट और कार्बन स्टील का बना होता है, ये क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं इसका जो, और याद रखिएगा ये जो कार्बन स्टील का होता है या कास्ट स्टील का होता है इसको क्या करते हैं, जब ये बना लेते हैं ना इसको फोर्ज कर देते हैं, फोर्ज करने के बाद क्या होता है ये हार्ड हो जाता है, ठीक है, क्या करते हैं हार्ड हो जाता है, और इसके पिन और फेस को ना टेम्पर कर देते हैं। टेम्पर करने का मतलब क्या है कि टेम्पर इसलिए कर देते हैं कि क्या करते हैं इसी से हम वर्क करते हैं, बार बार उसको पीटते हैं तो क्या होता है वो खराब हो सकता है, ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं उसको टेम्पर कर देते हैं। उसके बाद जो हम देखे हैं मतलब आई होल जो बुना बना होता है, आई होल का शेप किस आकार का होता है, तो वो इलिप्स आकार का होता है, ऐसा देखिए आपको मत दिखाना चाहते हैं, इलिप्स आकार का उसका होल होता है, ठीक है, आई होल जिसे बोलते हैं, और इसमें पोस्ट में, इसमें पोस्ट में एक छेद बना होता है जिसे आई होल बोलते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं, फेस और पिन दोनों को टेम्पर किया जाता है। अब इसमें देखते हैं, इसमें एक लकड़ी का हैंडल लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख रहे होंगे, इसलिए लकड़ी का हैंडल है। अब देखिए आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जो ये वाला जो पार्ट है वो आई होल है, ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, ये क्या है आई होल है, और यहां पे देखिए वेज लगा हुआ है, क्यों, इसको टाइट करने के लिए, क्लियर है। अब हम समझते हैं दूसरा टॉपिक लेते हैं, बॉल पिन हैमर, जैसा कि आपको फिगर में हम पहले ही बता चुके हैं, अभी था संदेह की फर्स्ट डे नहीं है ये, लगभग 5-6 क्लास या 7 क्लास है, इसलिए कि अभी हम कॉमन हैंड टूल पढ़ा रहे हैं, कॉमन हैंड टूल, इससे पहले हम मतलब मेजरमेंट भी पढ़ा चुके हैं, सेफ्टी भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब 4 नंबर ये चैप्टर है कॉमन हैंड टूल, तो इसको हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें से
पहला टॉपिक जो था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये दूसरा टॉपिक है बॉल पिन हैमर। पहला टॉपिक है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कल हम वाइस के बारे में पढ़ाए थे, वाइस का जितना प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ाए थे, तो वाइस को हम पूरा क्लियर किए थे। आज का जो चैप्टर है वो हमारा हैमर है, तो हम इसी तरह से रेगुलर, ये हमारा आज का लास्ट क्लास है, इसलिए कि आज जो है सब्सक्रिप्शन का लास्ट डेट है, क्योंकि हमारा जो क्लास जो है फ्री वाला जो डेमो क्लास है वो आज ख़त्म हो जाएगा, और हो सके तो एक आध दिन और एक्सटेंड हो सकता है, अभी एक दो दिन और क्लास चलेगा, बट अगर पूरा अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो कंपटीशन टारगेट आप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप पूरा कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बॉल पिन हैमर के बारे समझते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी सेम हैमर है, सिर्फ क्या होता है इसमें जो फेस होता है वो बॉल के आकार का होता है, गोला होता है। हम जानेंगे कि इससे काम क्या करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसको काम के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, तो इससे हम काम क्या करते हैं, देखिए जहां पर हमको मार्किंग करना हो, चिपिंग करना हो, चोट मारना हो, तो इससे क्या कर किससे कर सकते हैं, इससे काम ले सकते हैं। और बॉल पिन हैमर का उपयोग रिबेट ठोकते हैं। देखिए रिबेट ठोकने का मतलब क्या होता है, जब हम रिबेट ठोकते हैं ना तो उसको पूरा ठोक देते हैं, और उसका माथा जो होता है, जो ऊपर का वाला भाग होता है, उसको पूरा चपटा कर देते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका जो फेस होता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं बॉल पिन का, वो गोल होता है, इसलिए वो चपटा ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम जनरली उसका यूज़ कहाँ करेंगे, रिबेट ठोकने के लिए। दिमाग में याद रखिएगा, बॉल पिन हैमर का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, रिबेट ठोकने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, और जो भी छात्र जुड़ेंगे वो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, अगर नए छात्र जुड़ेंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। क्रॉस पिन हैमर के देखते हैं, यहाँ पे क्रॉस आकार का बना हुआ है, जैसे आपको हम कह दिए हैं कि सारा वर्किंग के हिसाब से होता है। ठीक है, और इसका जो हैंडल होता है ना, यहाँ पे हैंडल ये 90 डिग्री के एंगल पर बना होता है, पिन के अक्ष के कितना डिग्री होता है, आबिद हसन देखिए आपको क्या करना होगा, कंपटीशन टारगेट ऐप डाउनलोड करना होगा। कंपटीशन ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, वो रजिस्ट्रेशन कर जाके आप जिस ट्रेड के हैं, अगर फिटर के हैं तो फिटर में जाके आपको रजिस्टर्ड करना होना पड़ेगा, कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। एक छोटा सा मिनिमम फी रखा गया है जो कि 299 रुपये का है, 299 में आपको फिटर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, फर्स्ट ईयर का फिटर का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो सेकेंड ईयर का भी कराया जाएगा। मनोरंजन देखिए ऐप में, हाँ ऐप में तो लगता है ऐप में, क्योंकि ऐप के द्वारा पूरा कोर्स कराया जा रहा है ना, पूरा कोर्स करने का मतलब फुल कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, उसमें जैसे कि यूट्यूब के माध्यम से हम सिर्फ डेमो क्लास लेके आए हैं, 5 या 6 क्लास होगा। ठीक है, शहनी देखिए इसका जो फी एकदम मिनिमम फी रखा गया है जो कि 299 रुपया है मात्र, जो कि हर कोई पे करके कर सकता है, क्योंकि देखिए अभी बता रहे हैं आपको लॉकडाउन चल रहा है जिस कारण से ऑफलाइन क्लासेस बंद है, तो अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस करना, क्योंकि यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर, ये 3 कोर्स रेगुलर शुरू है, रेगुलर चल रहा है, तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का और वेल्डर का, तीनों का कोर्स ऐप के माध्यम से शुरू हो चुका है, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम आगे देखते हैं, जैसा कि आपको बता दिए कि क्रॉस पिन हैमर का क्या होता है, ये जो है क्रॉस होता है, और ये अक्ष के, देखिए ये हैंडल के यानी अक्ष के 90 डिग्री होता है, और इसका पिन जो है नुकीला होता है, जैसा कि आपको हम बता दिए हैं। तो इससे हम कौन सा काम करेंगे, इससे जो है एक स्ट्रेट दिशा में सीट को मोड़ने का काम करेंगे, सीट के किनारे को, किनारा जो होता है जैसे ऊपर मोड़ते हैं कोर, जिसे हम किनारा को कोर बोलते हैं, कोर मोड़ने के लिए करते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पे ट्रेड फीटर का ट्रेड करा रहे हैं। ठीक है, फीटर और इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर, ये 3 ट्रेड है। ठीक है, ऐसे मैकेनिकल ग्रुप का, तो फीटर मैकेनिकल ग्रुप में ही आता है, तो मैकेनिकल ग्रुप से जो भी ट्रेड है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी करा दिया जाएगा, जितना भी है उसका मात्र फी है 299, तो आप जल्दी से ज्वाइन हो सकते हैं, अगर आप पूरा कोर्स करना है तो ज्वाइन हो जाइए।
अब हम जानेंगे क्रॉस पिन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो किसी सीट के कॉर्नर को मोड़ने के लिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मनोरंजन सेकेंड ईयर है। देखिए सेकेंड ईयर का भी क्लास शुरू होने वाला है, सेकेंड ईयर का अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि आप अभी तक कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट नहीं आया है, आप फर्स्ट छात्र हैं सेकेंड ईयर का, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो छात्र है उनमें बैच शुरू हो चुका है। अगर आप सेकेंड ईयर के हैं तो भी ज्वाइन हो सकते हैं, सेकेंड ईयर का भी बैच शुरू होने वाला है क्योंकि ये दो कल तक डेमो क्लास चलेगा, कल के बाद इसका डेमो खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड ईयर का डेमो शुरू कहेंगे और उसके बाद यानी समझिए कि दो दिन के बाद शुरू हो जाएगा अप्रॉक्स, यानी 22-23 तक सेकेंड ईयर का भी क्लास शुरू हो जाएगा। तो अगर आप सेकेंड ईयर के हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ज्वाइन हो जाइएगा क्लास शुरू हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि पहले शुरू हो जाएगा तब ज्वाइन होंगे, तो आप सोचते रह जाइएगा, पहले आप ज्वाइन हो जाइएगा तुरंत क्लास शुरू हो जाएगा। अब स्ट्रेट पिन हैमर के बारे में समझते हैं। ठीक है, स्ट्रेट अलग होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, उल्टा आकार का भी का सिंबल बना होता है। हाँ हाँ मनोरंजन जी, सेकेंड ईयर का भी क्लास ऐप के माध्यम से होगा। देखिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर या वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, फिटर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, और वेल्डर का तो एक ही साल का है। ये पांच बैच बना हुआ है, पांच बैच में से जो भी बैच आपका, जो भी सेशन है, जो भी सत्र है, जिस ईयर के हैं उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो या इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो, आप जाके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और ये क्लास ऐप के माध्यम से ही होगा। चलिए स्ट्रेट पिन हैमर के बारे में जानते हैं। ये जो है चपटा होता है, इसका जो फेस होता है वो क्या होता है, चपटा होता है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होइएगा, ये क्या है, चपटा आकार का है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो देखिए इसका इस्तेमाल करेंगे सीधे कॉर्नर यानी कोर पर चोट लगाने या धातु, जो कॉर्नर पर धातु होता है उसको फैलाने के लिए। ठीक है, धातु के साइड में फैलाने के लिए जो कॉर्नर पर होता है उसको। ठीक है, इसका शेप क्या होता है, वी आकार का शेप होता है, इसके हैंडल जो है समांतर सीध में होते हैं, इसका हैंडल क्या होता है, समांतर होता है, पेन के समांतर होता है। ठीक है, जो पिन बना होता है उसके समांतर होता है। मनोरंजन जी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से कंपटीशन टारगेट ऐप डाउनलोड करके जुड़ जाइए क्योंकि क्लास शुरू होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डबल फेस हथौड़ा यानी डबल फेस हैमर। डबल फेस कहने का मतलब इसमें दोनों फेस होता है, जैसे एक फेस यहाँ दिया गया है और दूसरा फेस यहाँ दिया गया है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, रिबेट में कर सकते हैं। ठीक है, रिबेट के कपल टूल के ऊपर चोट मारने के लिए कर सकते हैं और इसका हम साधारण उपयोग में भी कर सकते हैं क्योंकि फेस और पिन दोनों इक्वल में ही है, नीचे है सिर्फ गोल किया गया है, तो इसका जनरली में भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जंबूर यानी क्लॉ हैमर। अभी दूसरे देखिए इस वीडियो के ऊपर थंबनेल एक लगा होगा तो उस पर नंबर दिया गया है, वहां से आप नोट करके कॉल कर सकते हैं या ऐप में जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से संपर्क नंबर दिया गया है तो वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे नंबर दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्ले हैमर के बारे में समझते हैं, क्ले हैमर क्या होता है। देखिए क्ले हैमर जो होता है ना, इसका फेस और क्ले दो पार्ट होता है, जैसे कि हैमर की समान ही होता है लेकिन इसमें दो पार्ट होता है। एक क्या करता है, एक कील ठोकता है और दूसरा कील उखाड़ता है। कब, जब टेढ़ा हो जाए, क्या होता है, जब कील टेढ़ा हो जाए तो उसे कील को उखाड़ लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें जंबू टाइप का बना होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे इसे क्या करते हैं, कील को फंसा के उसके मतलब हेड में और उसको उखाड़ लिया जाता है। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ हुआ है, मतलब इसका पर्सनली इस्तेमाल किया जाता है कील उखाड़ने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, इसको जनरली भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्ट हैमर। देखिए सॉफ्ट हैमर में बहुत सारे हैमर आते हैं, सॉफ्ट हैमर में ना बहुत सारे हैमर आता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सॉफ्ट हैमर में है कि सॉफ्ट कैसा होगा, सॉफ्ट कहने का मतलब जो तुरंत टूट जाए या लचीला हो। ठीक है, तो सॉफ्ट किसका बना सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, कभी कभी देखिएगा एल्युमिनियम का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, नायलॉन का भी हो सकता है, कच्चा चमड़ा का भी हो सकता है। तो ये सब जो है ना, ये सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आता है। सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्ट हैमर ऐसा हैमर है जो किसी जॉब पर प्रहार करता है, यानी किसी जॉब पर हम चोट मारते हैं तो उस पर दाग नहीं आता है, यही है सॉफ्ट हैमर। ठीक है, तो सॉफ्ट हैमर में बहुत सारे हैमर हैं, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है कच्चा चमड़े का हैमर, जिसे बोलते हैं रॉड हाइड हैमर, रॉ हाइड हैमर जिसे बोलते हैं कच्चे चमड़े का हैमर। इसमें क्या होता है, देखिए इसके दोनों फेस में चमड़ा का क्या होता है, कच्चा चमड़ा का टुकड़ा लगा होता है, जैसे कि फिगर में आप देख रहे होइएगा
ये जो पार्ट है चमड़े का टुकड़ा का काला वाला है, नीचे भी है, इसके दोनों साइड में लगा हुआ है देखिए, और बाकी पार्ट सेम है। बीच में ये हैंडल जो दिया गया है वो लकड़ी का हैंडल है, और ये जो बॉडी है वो स्टील का बॉडी है। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं, जॉब पे जो मारते हैं ना तो वहां पे दाग नहीं होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जॉब पे दाग ना लगे वहां पे। ऐसे जनरली हैमर है उसको जब मारिएगा तो जॉब पे दाग आ जाएगा, लेकिन इससे क्या है कि जॉब पे दाग नहीं आएगा। चलिए आगे, रॉ हाइट में हो गया, अब दूसरा देखते हैं। मैलेट, जिसे बोलते हैं हम लोग लकड़ी का हथौड़ा। मैलेट क्या है, जिसे हम लकड़ी का हथौड़ा बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, बर्तन के औजार में, जो बर्तन का दुकान होता है ये एल्यूमिनियम ये सब का, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये बना होता है किसका, तो शीशम, कीवर या टीक की लकड़ी का बना हो सकता है। ठीक है, ये जो होता है ना एकदम सॉफ्ट होता है, ज्यादा इसको प्रेशर देंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन मतलब ये इससे क्या होता है, ये जॉब पे जब हम मारते हैं ये सॉफ्ट मेटल पे यूज किया जाता है। क्लियर है? ये सॉफ्ट मेटल पे यूज किया जाता है, ये पूरा लकड़ी का बना होता है। मैलेट जो होता है यह पूरा लकड़ी का बना होता है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए, मैलेट जो होता है वो पूरा लकड़ी का बना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, नायलोन का हथौड़ा। नायलोन का हथौड़ा के बारे में हम जानेंगे तो जो भी छात्र जुड़ेंगे ना वो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, लाइक शेयर आप करते हैं तो थोड़ा हौसला मिलता है कि हाँ चलिए छात्र जुड़े हैं तो लाइक शेयर कर दिए हैं। अगर आप ट्विटर के छात्र हैं ना तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो आपके साथ जुड़ के जो भी सिलेबस हम कंप्लीट कराएं दोनों दोस्त पूरा पढ़ लें। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में क्लासेस जो है ऑफलाइन, स्कूल कॉलेज बंद है, तो ऑनलाइन ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आप ट्विटर फर्स्ट ईयर हैं तो भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि क्लास शुरू हो चुका है। सेकेंड ईयर का शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दो दिन के बाद वो भी शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रीशियन का भी बैच हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, वेल्डर का तो पहले से ही चल रहा है बहुत दिन से। तो ये तीन ट्रेड हमारे पास चल रहे हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वेल्डर के लिए आज भर ऑप्शन है, आज भर जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं, और यहाँ पर टेक्निकल की तैयारी इस तरह से कराया जाएगा कि जैसे आप एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो जैसे आप देते हैं एग्ज़ाम टेक्निकल की एग्ज़ाम की, जैसे सेल भेल ये सब हो गया, रेलवे का टेक्निकल जहाँ आता है, तो उसके ऑब्जेक्टिव का, जैसे कंपटीशन का जो हो गया उसके तहत पढ़ाया जाएगा ऑब्जेक्टिव का। चलिए इसमें आगे देखते हैं, प्लास्टिक हैमर, सॉरी नायलोन के क्लियर नहीं रखी, नायलोन नहीं पढ़े, नायलोन के बारे में जानते हैं। जो भी छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और नए छात्र जुड़ेंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैथ रीजनिंग का भी क्लास कराया जा रहा है, आने वाले समय में जीके जीएस का भी क्लास होगा और करेंट का भी होगा। तो अगर आप कंपटीशन से संबंधित छात्र हैं, या वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है कंपटीशन टारगेट ऐप, डाउनलोड कीजिए और उसके माध्यम से सारा कोर्स कीजिए। यहाँ पर हम अंजू यादव, देखिए आप अंजू जी, आपको बता देते हैं, अंजू यादव ट्विटर का थ्योरी का ही क्लास चल रहा है, और अगर आप पूरा क्लास करना चाहते हैं तो कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि ऐप के माध्यम से ही आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, और इसका लाइव क्लासेस कराया जाएगा। लाइव में क्या होगा कि आपको जो प्रॉब्लम है एट ए टाइम पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी हम कराएंगे, सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर संपर्क नंबर भी दिया गया है, आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे नायलोन के बारे में समझते हैं। यह नायलन जो है ना एक चिमट पेट्रोलियम पदार्थ का बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है, पेट्रोलियम पदार्थ का बना होता है, जो काफ़ी धक्का यानी प्रेशर को सह सकता है। देखिए नायलन क्या होता है, नायलन जो होता है ना लचकदार होता है, लचक मतलब बीच में टेम्पर होता है इसमें। यह क्या करता है, लोहा के हथौड़े के दोनों साइड में कस दिया जाता है, जैसे कि आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। देखिए वीडियो जो है ना बना हुआ है, कुछ वीडियो और लाइव क्लासेस हम चला रहे हैं, अंजू जी हम लाइव क्लासेस करा रहे हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो ज्वाइन होकर ऐप मतलब कंपटीशन टारगेट ऐप डाउनलोड करके उसके माध्यम से कर सकते हैं। और यूट्यूब के माध्यम से आपको पूरा कोर्स नहीं कराया जाएगा, इस पर सिर्फ कॉमन हैंड टूल के तक पढ़ाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लास नहीं होगा। मनोरंजन, नायलोन हैमर कितने, देखिए आपको बता दिए हैं, ये डिपेंड करता है वर्किंग के हिसाब से,
आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि ये 125 ग्राम से लेके 1.5 केजी के बीच में हो सकता है। ये किसी हैमर को ये क्लियर नहीं किया गया ये कितने ग्राम तक हो सकता है, लेकिन ये अगर ऑप्शन आए तो आप 125 ग्राम से 1.5 केजी के बीच में मार सकते हैं। क्योंकि देखिए नायलोन हैमर है, इसका पूरा बॉडी क्या है स्टील का बना होता है, बट सिर्फ क्या होता है हैंडल और हैंडल लकड़ी का, और ये जो पार्ट होता है जो नायलोन लगा होता है वो सिर्फ नायलोन होता है, ठीक है। और वेट की जो बात है, वेट डिफरेंट हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं, वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना, आप किस साइज के बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं, तो इसको हम यूज कहाँ करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्टील का बॉडी है और इस साइड में नायलोन का, जो कि नायलोन प्राप्त होता है पेट्रोलियम से, ये दोनों साइड में लगा दिया गया, ये हैंडल है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या करता है। तो देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, अच्छे टूल रूम में, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एरोनॉटिक शॉप में, ठीक है, अच्छे टूल रूम में। इसे क्या होता है कि जब हम प्रहार करते हैं तो दाग नहीं होता है। देखिए सॉफ्ट हैमर में यही एक खासियत है कि जब हम यूज करेंगे ना तो जॉब पे दाग नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है प्लास्टिक हैमर। देखिए प्लास्टिक हैमर नायलोन दोनों सेम चीज है, ठीक है, नायलोन और प्लास्टिक दोनों सेम चीज, सिर्फ मतलब मेटल अलग अलग है। ये प्लास्टिक है पैड, रबर के पैड फिट कर जैसे कि आपको फिगर में यहां पे जो है यहां पे प्लास्टिक का लगा दिया जाता है, बाकी बात और कुछ नहीं, ठीक है। और इसका भी उपयोग करेंगे हल्के चोट के लिए। अब हम बात करते हैं घन, जिसे हम बोलते हैं स्लैज हैमर। जो भी छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा कि आपके दोस्त भी इससे फायदा उठा लेंगे और पढ़ सकते हैं एक साथ में सभी दोस्त, और इससे क्या होगा कि हमें भी अच्छा लगेगा कि कुछ ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो जो भी छात्र जुड़ेंगे वो कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको 5 वीडियो जो है ऑफलाइन वीडियो दिया गया है, उसका मटेरियल भी ऑफलाइन दिया गया है, वहाँ पे ऑनलाइन सेट भी दिया गया है जो कि कुछ पेड है कुछ फ्री भी है। तो वहाँ पे जाके आप कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें और उसके माध्यम से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी लॉकडाउन सीरीज चल रहा है और लॉकडाउन भर में हमारा ऑफर है कि कम से कम में आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉकडाउन ख़त्म होगा तो इसके बाद इसका फी बढ़ सकता है। तो आप ऐप में जाइए, कोर्स को परचेज कीजिए और हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। जैसे कोर्स परचेज कीजिएगा डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं, उस ऐप में चैट का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे जाके आपको जो भी प्रॉब्लम है वो मैसेज कर दीजिए, हम मैसेज के थ्रू आपको तुरंत संपर्क करेंगे, आंसर देंगे उसका तुरंत एट ए टाइम। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, आप अगर ITI कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, तो कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ की तैयारी कराया जा रहा है साथ साथ। तो अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप मैथ रीजनिंग की भी तैयारी करना चाहते हैं, वो भी क्लास शुरू हो चुका है। चलिए इसको हम घन देखते हैं। देखिए घन और घन का घन जो होता है ये स्लैज हैमर होता है, ठीक है। स्लैज हैमर का काम क्या होता है, ये जो होता है बड़ा हैमर होता है, छोटा हैमर नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। इसका वेट जो होता है, जैसे कि अभी तक हम पहले पढ़े हैं कि सॉफ्ट हैमर या सॉरी हाँ हैंड हैमर है, उसका वेट होता है 125 ग्राम से 1.5 केजी के बीच होता है, लेकिन जो स्लैज हैमर है या घन जिसे बोलते हैं, इसका 2 केजी से 10 केजी के बीच में हो सकता है। ये देखिए आप जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मनोरंजन जी डाटा खत्म हो गया तो दिन भर डाटा को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, डाटा का यूज कीजिए पढ़ाई के रूप में, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस हर जगह बंद है, ऑफलाइन क्लासेस कहीं नहीं हो रहा है, कॉलेज स्कूल सब बंद है, इंस्टीट्यूट भी बंद है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा घन है या स्लैज हमारा, ठीक है। तो स्लैज हैमर जैसे कि आपको हम बता दिए कि बड़ा घन होता है, इसको बोलते हैं, इसका वेट क्या होता है 2 से 10 केजी के बीच होता है और इसको ज़रूरत के हिसाब से अपना बना सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 से 10 कहे हैं तो 2 केजी का होगा, 1 10 केजी का हो सकता है। कुछ छात्र ये भी कमेंट करेंगे कि सर 2 केजी का ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, 2 से 10 के बीच में ज़रूरत के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसका यूज करेंगे
भारी मेटल पे, यानी जहां पीटने का होगा काम या किसी चीज को तोड़ने का होगा, जैसे दीवार तोड़ सकते हैं। अभी दूसरा है देखिए, यूपी आरबी यूएनएल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां वो भी तैयारी कराया जाएगा। देखिए सबसे पहला चीज हमारा प्रियोरिटी क्या है, जो ईयरली वाला एग्जाम का छात्र है उसको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना। उसके बाद हम हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जो कि वेल्डर और फिटर दोनों ट्रेड का कराएंगे ऑब्जेक्टिव, हर ट्रेड का अलग अलग कराएंगे और हर चैप्टर का। और आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बुक में 10 दे दिया तो 10 करा देंगे, 10 नहीं, हम टॉपिक वाइज उठाएंगे और जितना ज़्यादा बनेगा उतना ऑब्जेक्टिव कराएंगे। क्योंकि हम इस तरह से बताएंगे कि आपका ईयर का जो एग्ज़ाम है, ईयरली वाला जो एग्ज़ाम है, सेमेस्टर वाला ईयरली जो एग्ज़ाम होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, और टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन अभी जो है ये सिलेबस पे चल रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे बट इसको कंप्लीट होने के बाद। और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिलेगा टेक्निकल के लिए, जो कि नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा। आप अगर फिटर के फर्स्ट ईयर है या किसी टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट हम ला रहे हैं, जो कि अगले जून में आ जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में, जून के शुरुआत दिन में ही आ जाएगा। तो अगर आप टेक्निकल संबंधित है तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि उसी के माध्यम से ऑनलाइन तैयारी कराया जाएगा। ऑनलाइन ऐप आप सेट मार सकते हैं, प्रैक्टिस सेट, और टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि घन के बाद समझ गए कि ये 2 से 10 kg के बीच हो सकता है। इसका उपयोग मतलब ज़्यादा किसी चीज़ को तोड़ने के लिए करेंगे, या देखिएगा इसका उपयोग वेल्डिंग के मशीन में ज़्यादा होता है। इस घन का उपयोग वेल्डिंग मशीन में होता है, क्योंकि वहाँ पे पीटने वाला काम होता है, ठीक है। फोर्जिंग शॉप यानी लौह गाड़ी में इसका इस्तेमाल, लोहार लोग ज़्यादा करते हैं इसका इस्तेमाल, ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस है आज का यहीं पे कंप्लीट होता है। हैमर जो है यहीं पे कंप्लीट होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशन दिया हुआ है, उसके बारे में समझ लेते हैं कि सावधानी क्या क्या रखना चाहिए हैमर के साथ, वो भी समझ लेते हैं। तो जो भी छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, या वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हो, या फिटर के हो, या वेल्डर के हो, क्योंकि 3 क्लास हमारे यहाँ रेगुलर शुरू है। चलिए प्रिकॉशन हम शुरू करते हैं। सावधानी, सावधानी क्या होता है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सावधानी दिया हुआ है। फर्स्ट देखते हैं, हथौड़े का प्रयोग कार्य के अनुसार करना चाहिए। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जितना हमको जरूरत होगा उस साइज का हैमर इस्तेमाल करेंगे। कि अगर मान के चलिए